कानपुर नगर से है। सनातन धर्म की परंपरा रही है कि मरने के बाद मोक्ष तभी मिलता है जब अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन किया जाए। सनातन धर्म की यह परंपरा विदेश में रहने वाले देशवासी आज भी नहीं भूले हैं। इसलिए इंग्लैंड में रहने वाले दीपांकर दीक्षित कानपुर पहुँचे। भैरव घाट के मोक्ष धाम में बने अस्थि कलश बैंक में अपनी माँ की अस्थियों का पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। कानपुर के आर्य नगर के रहने वाली 65 वर्षीय कल्पना दीक्षित का निधन कोरोना काल में हो गया था। अपनी मां की मौत होने की जानकारी जब दीपांकर को हुई तो उन्होंने भारत आने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोरोना में लगे लॉकडाउन की वजह से वह भारत नहीं आ सके, जिस पर कल्पना का अंतिम संस्कार उनके भतीजे आनंद त्रिपाठी ने किया। मृतका कल्पना के बेटे दीपांकर ने अपने ससुर जगतवीर सिंह द्रोण से आग्रह कर उनकी अस्थियां सुरक्षित रखने के लिए कहा, जिसके बाद अंतिम संस्कार के बाद मृतका कल्पना दीक्षित की अस्थियां भैरव घाट पर बने अस्थि कलश बैंक में सुरक्षित रख दी गयी। दीपांकर मेरे हस्बैंड है, दीपांकर दीक्षित वो आर्य नगर कानपुर से ही है। उनकी मदर का देहांत कोरोना वायरस के दौरान हुआ था, उस समय लॉकडाउन था, हम यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, इसलिए हम अब आ पाए हैं लगभग 2 साल बाद। इसलिए आज हमने अस्थि कलश से उनकी अस्थियाँ कलेक्ट की हैं और आज उनका विसर्जन होगा। श्रीमती कल्पना दीक्षित जी का अस्थि कलश था, जिनका कि निधन 29 जून 2020 को भीषण कोविड काल में हुआ था, और उनके बेटे इंग्लैंड के न्यू कैसल में फंसे हुए थे, वे वहीं पर कार्य करते हैं, वे यहां नहीं आ पाए थे, लिहाजा उनके भतीजे आनंद जी ने अपने अन्य परिजनों के साथ उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अस्थि कलश को हमारे अस्थि कलश बैंक में सुरक्षित रख दिया था। अब उनके बेटे दीपांकर जी अपनी पत्नी जया जी के साथ लगभग 2 वर्ष बाद यहाँ भारत की धरती पर कल आ पाए हैं, लिहाजा आज वे अपनी माता जी का अस्थि कलश लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमने उन्हें पूरे पूजन और विधि विधान के साथ उनका अस्थि कलश सौंप दिया उनकी माता जी का, जिसे लेकर अब वे प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ माँ गंगा की गोद में अपनी माता जी की अस्थियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आगे के लिए बढ़ रहे हैं। और हमें इस बात के लिए तसल्ली है कि हमने उनकी माता जी के अस्थि कलश को लगभग 2 वर्ष तक यहाँ रखा और उन्हें मोक्ष देने के लिए, गंगा की गोद तक पहुँचाने के लिए वे स्वयं यहाँ पर आए हैं, इसका उनका आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब, भारत।